आंखों का पानी दिल की कहानी कहता है, कोई फसाना दिल में पुराना रहता है। अब खाला माफ कर दो ना, ये इसकी गलती सारी, यार कपड़े फैला के रख दिए, मेरे पाँव फिसल लिया उसके अंदर आ गया। अब खाला मेरी गलती थोड़ी है, पागल है तू बिल्कुल, हटा इन कपड़ों को यहाँ से। आपको हर रोज मेरे आने से पहले कैसे पता चल जाता है? जिसके साथ दिल जुड़ जाए उसके लिए दिल में घंटी बजती है। आज ना 4 बजे आ जाना तू रिश्ता लेके, खाला तेरा इंतजार कर रही है। क्यों, तेरे कहने पर पहले साजदा से पूछूंगा कि जाना है या नहीं। यानी बुआ बड़ी बेगम साहिबा गांव से आ गई हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेगम। वालेकुम अस्सलाम। हसीना क्या देख रही हो, ये तुम्हारा अपना ही घर है, अब से तुम्हें यही रहना। पापा आग लग गई, पापा पापा पापा। बेगम साहिबा किचन में आग लग गई है, किचन में आग लग गई है। पापा 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 आग लग गई। बिलाल बिलाल मामा साहब कैसे गया? बिलाल बिलाल पापा बिलाल भाई दरवाजे की चाबी का चाबी लेके आए। देखा चाबी लेके आ, देखते हैं हमारे पास भी चाबी होती है। तोड़ दे दरवाजा, तोड़ दे दरवाजा, तोड़ दे। अभी नहीं है बुआ, चाबी जल्दी लेके आए। जल्दी जाओ, क्या हुआ है, ये कैसे चले गए यहाँ पर? ओ
अल्लाह का शुक्र है इसकी तबीयत बहुत बेहतर है। आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, बस स्मोक की वजह से इसके गले में कुछ खराशी हो सकती है, जिसके लिए मैं एक सिरप लिख देता हूँ, वो आप इसको पिलाते रहें। थैंक यू। आइए। अहमर, हमारी समझ में नहीं आ रहा है किचन में आग लगी कैसे है? अब जो होना था वो हो गया मामा। अब मेन बात ये है कि बिलाल ठीक है और हमें इसी बात का शुक्र अदा करना चाहिए। वो तो ठीक है अहमर, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ब्रेकर क्यों नहीं लगे। आपको किसी इलेक्ट्रिशियन को दिखाना चाहिए, अगर कोई बड़ा नुकसान हो जाता तो। करते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हमारा बिलाल महफूज रहा। आप इनका ख्याल रखें, हम सदका देकर आते हैं। जी मां। आप तो मेरे टाइगर हो ना, बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। यस। आप बिला वजह बदगुमान हो रही हैं। वो लड़की बहुत मासूम है। मासूम सी तो है, शायद आप भूल गई हैं कि 10 साल पहले जब उसने हवेली में काम किया था तो आपके और मेरे दरमियान बहुत सी गलत फहमियां पैदा कर दी थी। उस वक्त वो बच्ची थी, जो मुंह में आता था बोल जाती थी। वैसे भी हमें आपस के ताल्लुकात को खुद से हैंडल करना चाहिए। जी, आप परेशान ना हो, अब वो बड़ी हो चुकी है, अब ऐसा नहीं होगा। आप जाइए, जाकर उनके रहने का इंतजाम कीजिए, और ये मत भूलिए वो हमारी मेहमान है। अच्छा जी। बीबी जी ने कहा है कि हसीना के लिए कमरा तैयार करें। अस्सलाम वालेकुम। बड़े बुजुर्ग कहते हैं हाथ मिलाने से ना मोहब्बत और इज्जत बढ़ती है। वालेकुम सलाम। कैसे सियानी बुआ, गांव में तो बड़ी जबान चलती थी, शहर में क्या तुम्हारी जबान पे ताले लग गए हैं? हसीना, यहाँ पर ना गैर जरूरी बातें मत करना, चल। यानी बुआ, तो तुम वो हसीना हो? जी मैं ही हूँ हसीना। सलाम अलैकुम। बड़े बुजुर्ग कहते हैं हाथ मिलाने से ना मोहब्बत और इज्जत बढ़ती है। वालेकुम सलाम। वो छोटे साहब बिलाल, वो ठीक है ना? माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह ने उसे महफूज रखा है। अल्लाह साई हमेशा उसे महफूज रखे। बच्चे इसी के भी हो ना, बड़े प्यारे होते हैं वैसे। तुम ठीक कह रही। खाना खा लिया तो चलो कमरा दिखा दूं। रख दूं? सियानी बुआ, गांव में तो बड़ी जबान चलती थी, शहर में क्या तुम्हारी जबान पे ताले लग गए हैं? हसीना, यहाँ पर ना गैर जरूरी बातें मत करना, चल। सियानी बुआ, बात नहीं करनी है तो थक के तो नहीं दो। सियानी बुआ, क्या
करती है आपने, उसे गिरा दिया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लग गई। आप ही हद करती हैं। ये यहाँ मम्मा की मेहमान है, बजाय इसके आप इसका ख्याल करें, आप उलझ रही हैं इससे। जाए ने लेके जाए कमरे में, हल्दी वाला दूध भी पिलाइएगा। बहुत हो गए ड्रामे। चल बेगम साहिबा समझ रही थी कि तुम बदल गई हो। बेगम साहिबा को ना जाके बताओ, हसीना कोई मौसम नहीं है जो यूं और यूं यूं करके बदल जाए। जल्दी चल। सियानी बुआ, ट्रेन छूट रही है तुम्हारी, सफर कर लो जरा, हवेली तो मुझे देखने दो। अरे वैसे रहो, ये वाला महल लग रहा है पूरा गांव वाली हवेली से बड़ी हवेली नहीं है। तुमने जितने मजे किए ना, अब मैं करूंगी उतने मजे। तेरा खबरनामा खत्म हो गया, चलो। मामा मैं अपने रूम में कब जाऊंगा? डॉक्टर अंकल ने कहा है आज आप मेरे साथ सोएंगे, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर अपने कमरे में चले जाना। मामा मुझे कुछ सुना है। अच्छा, नींद आ रही? थोड़ी थोड़ी सी। मामा आज रिलो की नहीं, आज कुछ न्यू स्टोरी सुना है। ओ, कैसी? जिन भूत वाली। मेरे फ्रेंड्स को ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आती हैं और मुझे भी बहुत पसंद है। बिलाल, हॉरर स्टोरीज बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, और रात को तो बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, वरना बच्चे रात में डर जाते हैं। मामा सुना देना थोड़ी सी। अच्छा चले, मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल में एक बहुत खतरनाक शेर रहता था जो सारे जानवरों को खा जाता था। आओ हसीना बीबी अपने ताजमहल में। अरे हाय सियानी बुआ, ये कौन सी सदियों का कमरा है? इतनी बदबू है, धूल मिट्टी है। ये देखो, ये जाले भी लगे हुए इस पे सियानी बुआ, और ये पंखा गंगा, ये चलता भी है कि नहीं? नहीं अभी नहीं चलता, मगर ठीक हो जाएगा। अरे अल्लाह, गर्मी देखो, खुद तो ये बड़े लोग ठंडी मशीनों के आगे सोते हैं और हमें बगैर पंखे की जगह पे भेज दियो। ये तकिया देखो कितना सख्त है। सियानी बुआ तुमको पता है इसे ज्यादा नरम ना मेरे गांव की ईंट होती है। अच्छा, बेगम साहबा ने कहा था पूछ लेना किसी चीज की कमी हो तो। कोई एक कमी हो तो बताऊ ना, इधर तो कमियां ही कमियां हैं। मसलन? इतनी लंबी जो तुमको मैंने राम कहानी सुनाई है समझ नहीं आई? अच्छा फजूल बातें मत कर। शुरुआत किसने की थी? जुबान चलाने से अच्छा है कि अपने हाथ पांव चला के ना कमरे की सफाई कर ले। तो मैं कर ही लूंगी, बहरहाल कुत्ते से अच्छे हाल में हूँ। आदमी बैठता है ना तो अपनी तुम से जगह साफ करके बैठता है। मैं तो फिर हसीना हूँ, मैं आसानी से इस गंदी जगह पे थोड़ी रहूंगी, साफ ही करूंगी। उफ भाई, अभी तक तू ना बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी है, वैसी अकड़ और वैसी बातें। कितना गंदा कमरा, ये चरपाई है कि कुआं? एक तो ये कुएं वाली चरपाई पे नींद भी नहीं आ रही, ऊपर से ये मनहूस पंखा। सियानी बहू, मुझे तो अल्लाह साई पूछेगा जिस तरह तूने इस गंद में ला के मुझे फेंक दिया है। फिर खिड़की खोल के देखती हूँ शायद कोई हवा। अल्लाह, इधर से भी हवा आने वाली, इधर जाके मैं अपना सर मारूं। तो मामा के साथ आने वाली उस लड़की का बैकग्राउंड इतना खतरनाक है, मैं तो उसे कोई आम सी मुलाजमा समझ रहा था जो आती जाती रहती है हवेली में। ये तो खतरनाक बात है।
कहीं उसकी दुश्मनी हमारे लिए नुकसानदेह साबित ना हो। आप पैनिक मत करें, मामा उसे यहाँ सोच समझ कर ही लाई होंगी। हाँ लेकिन फिर भी देख लीजिए, आपकी बेगम हम पर आपसे ज्यादा एतबार करती है। लेकिन मामा ऐसे मसले कभी कभार मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। आप कैसे किसी के लिए अपने पूरे घर को, हवेली को खतरे में डाल सकती हैं? और पराई लड़की है, एक अजीब सी जिम्मेदारी होगी। मुझे तो ये सब मुनासिब नहीं लग रहा मामा। जैसा आप सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम उन्हें खून बहा देकर लाए। तो अगर आपने खून बहा दे दिया है तो उसे फिर यहां लाने की क्या जरूरत थी? अहमर, वो इंतकाम पसंद लोग हैं। हसीना पर कोई जुल्म ना कर सके इसलिए मैं उन्हें यहां लाई। और वो जो उसका कातिल भाई है, कहां है वो? उसका क्या बना? वो अगर जिम्मेदार होता तो ऐसी हरकत करके फरार होता? नशा करता है, जुआ खेलता है, उसे बहन की क्या परवाह? मामा ठीक कह रही है, मैं हसीना से मिली हूं। बजाहिर देखने में शोक, चंचल और नकचड़ी सी है। ऐसे लोग काम में फुर्तीले होते हैं, हमारे घर के दो चार काम ही कर दिया करेगी। क्या हुआ, नींद आ रही? बेगम साहब पंखा खराब है, हवा नहीं आ रही, चारपाई इतनी धूल मिट्टी वाली हो रही है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। तुम एक काम करो, लाउंज में जाके सो जाओ, इसका मसला हम कल हल करवा देंगे। अरे बेगम साहिबा, आप शक्ल की तरह आप खुद भी बहुत अच्छी हैं। अरे शुक्रिया, जा जाके सो जाओ। यकीनन आप उसकी खैरियत मालूम करने गई होंगी। अरे वाह, आपको तो कष्ट होने लगा। कष्ट नहीं होने लगा, मैं आपकी और मामा की आदत को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये जो खैर ख्वाही का जज्बा है, फूट फूट के भरा हुआ आप दोनों। मैं मेहमान है, खैर गिरी हमारा फर्ज है ना। बेचारी एक झटके से अपने लोगों से, अपनी माँ से अलग हो गई है, थोड़ा सा ख्याल तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम। मैंने कब रोका? गुड नाइट। गुड नाइट। ये यहां पे कौन सो रहा है? हाय, क्या खुशबू लगाई है साहब जी ने। Thank you.
मैं भी कहूं हसीना को कोई देखे बगैर कैसे जा सकता है। ये साहब जी सुबह सुबह से कहां से आ रहे हैं? पार्क जाते हैं सुबह वॉक करने, दौड़ने। इतनी मोहब्बत तो फिर रात को मुझे क्या घूर रहे थे साहब जी? ये साहब जी सुबह सुबह से कहां से आ रहे हैं? पार्क जाते हैं सुबह वॉक करने, दौड़ने। और बेगम साहब नहीं जाती? वो शाम में जाती। मोहब्बत तो फिर रात को मुझे क्या घूर रहे थे साहब जी? बिलाल स्कूल जाना है। बिलाल हमें लगता है इन्हें टेम्परेचर है शायद। नहीं मामा, रात को तो बिल्कुल ठीक था। टेम्परेचर तो नहीं है। बिलाल बिलाल उठ जाओ बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। मासूमा बच्चे को नींद पूरी करने दीजिए। मामा आज मीठा पराठा हो जाए। अच्छा जी, ये सारी अदाकारी हो रही थी स्कूल ना जाने की। मामा मीठा पराठा हो जाए। मीठा पराठा तो भाई बहुत मुश्किल से बनता है। बेगम साहिबा जी मीठा पराठा मैं बना दूं? बहुत अच्छा बनाती हूँ। मामा ये कौन है? ये हसीना है, गांव से आई है। मामा गांव के लोग नहीं नहाते? छोटे साहब नहाते हैं ना गांव के लोग, क्यों नहीं नहाते? मामा गांव के लोग तेल से नहाते। छोटे साहब आपने तो हसीना की बेइज्जती ही कर दी है। आपको पता है गांव के लोग ना भैंसों के साथ नहरों में नहाते हैं, ऐसे ऐसे करके इतना मजा आता है, ठंडो पानी होता है बिल्कुल नहर का। अभी आप जाएंगे ना हसीना के साथ गांव, आप भी नहर में ऐसे ऐसे करके नहाना, आपको भी बड़ा मजा आएगा। वैसे मैं मीठा पराठा बना के लाऊं आपके लिए? लेकर आ दो मिनट।
मम्मा ये क्या किसी चली गई? बहुत फनी है ना? इधर बात सुन, वो रास्ता बता रही थी तू शहर जा रहा है। तुझसे मतलब? मैं कहीं भी जाऊं ये तेरा मसला नहीं है। तू ना मेरा है तो तेरी हर चीज से मतलब होगा मुझे। क्यों जा रहा है शहर? बस कर दे हसीना, बस कर दे। तू अच्छी तरह से जानती है कि तेरी इन बातों से कितनी चिढ़ है मुझे, और तुझे भले कोई फर्क ना पड़ता हो लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तेरी हरकतों की वजह से ना मैं बदनाम हो रहा हूं। और मेरी एक बात तू कान खोल के सुन ले, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, समझी? पता है मुझे तुझे मुझसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे तो तुझसे मतलब है ना। मत जाना तू शहर। क्यों जा रहा है? मैं शहर इसलिए जा रहा हूं ताकि तेरी शक्ल ना देखनी पड़े मुझे। कुछ ना समझ पाऊं, बिखरा मेरा यकीन, वो जो रास्ता बसता था मुझे से मेरा, जो अब वो भी मेरा नहीं। ये चला गया तो मेरा क्या होगा? वही चौकीदार, ये लड़का जो अभी अंदर गया है, ये यहाँ क्या करने आया है? ये छोटे बाबा के उस्ताद है, आज पहली बार आए उनको पढ़ाने को। शानी बुआ बुलाया आपने? हाँ, ये ना सैंडविच अच्छी तरह बनाकर चाय बना के टीचर के लिए ले जाना, छोटे साहब के आ रहे हैं। बना दोगी ना? ओहो सयानी बुआ, बेफिक्र रहो, सारे काम कर लूंगी, तुम जाओ। अभी देखना कैसे अच्छी सैंडविच बनाओ। इतने सालों बाद मिल रही है हसीना, ऐसे तैयार हो कि वो तुझे देखते का देखता ही रह जाए। मेरे हुसन का ऐसा जादू चला, मेरा हो गया जो भी मुझसे मिला। हाय अल्लाह, इतनी देर हो गई है, आज से आने बुआ ने नहीं छोड़ना है मुझे। इस लड़की को कोई काम कहो पूरा करती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। सयानी बुआ,
वो माफ कर दे, मैं बाथरूम चली गई थी, बाथरूम जाना था। अगर मैं वक्त पर ना आती तो चाय दम दम करके ना जहर बन जाती। नहीं नहीं सियानी बुआ मुझे दे, मैं मुझे भी तो कर रहे दे कोई काम। मैं ले जाऊंगी, कहा ना मैं कर देती हूँ, छोड़ छोड़। टीचर जी, चाय में चीनी 2 चम्मच लेते हैं आज भी या फिर? सीना तू यहाँ क्या कर रही है? देख ले, तुझे ढूंढते ढूंढते हसीना यहाँ भी आ गई। तो भाग रहा था ना मुझसे। ओ हेलो, मैं ना यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था, अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए, ना कि तुझसे भाग के। हाँ लेकिन तुझ जैसी के इस घर में होने पे मुझे बहुत हैरत हो रही है। या तो ये लोग बहुत ही शरीफ हैं, या फिर तूने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इन्हें भी बेवकूफ बनाया। वही ना बोल, बड़ी कदर करते हैं ये लोग हसीना की, इज्जत और मोहब्बत भी देते हैं। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। इतना बुरा वक्त आ गया नहीं हसीना, तो तेरी कदर होने लगी, लोग तुझे इज्जत देने लगे। एक बात बता, इस घर में तू करती क्या? मजे, बड़े ठाट है मेरे। विक्रम साहिबा का तो बस ही नहीं चलता, कभी यहाँ बिठाती है कभी वहां बिठाती है। क्या बात है भाई, क्या वक्त आ गया, तुझे भी रंग लगने थे। लेकिन आपस की बात है, जिस इंसान में काबिलियत ना होना, वो झूठी सच्ची कहानियां बना के अपना मुकाम तो बना लेते, लेकिन एक ना एक दिन मुंह के बल जमीन पे गिरता। राज, मेरा मुंह नहीं दुखता तुझे दुआएं दे दे, और तू बद दुआएं दे रहा है मुझे। बद दुआएं नहीं दे रहा हसीना, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ। कसम ले ले, बेगम साहिबा ना अपनी बड़ी वाली गाड़ी में बिठा के खुद लाई है मुझे यहाँ। एक काम कर, गाँव जाके पता कर ले तू। क्या जरूरत है हसीना, मैं ट्यूटर हूँ, बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने आया हूँ, पढ़ा के चला जाऊंगा। खैर तू कर ले याशी, जब तक इन लोगों में तेरी असलियत नहीं खुलती। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ, जो मेरे सीधे पाँव उल्टे पता चलने पे मेरी असलियत खुल जाएगी। देख, तेरे ना उल्टे पैर देखने के लिए साहिब नजर होना जरूरी है, और ये बेचारे तो मुझे सामने से देखने पर मरने वाले लगते। कसम से राज, तो जरा खुशी नहीं हुई मुझे यहाँ देख के। सीना मेरा दिमाग खराब है क्या, जो अपने बुरे वक्त को अपने सामने देख के खुश होता फिर? इतना तो सटे आया हुआ नहीं हूँ मैं। ये दिल भी ना बड़ी बुरी चीज, इतना बुरा बना देती है इंसान। मोहब्बत में ना किसी की कोई बात बुरी ही नहीं लगती है। देख, मुझे तेरी इन घटिया बातों में कोई दिलचस्पी, इसलिए अपनी शक्ल गुम कर जाके बच्चे को भेज अंदर से, ताकि उसे मैं पढ़ाऊं और जाऊं यहाँ से। ले, मैं कोई तेरी नौकरानी थोड़ी हूँ जो तेरे काम करती फिरूं। आया बड़ा ऑर्डर देने वाला मुझे। हसीना, तुझे बेगम साहबा बुला रही है। मैं जी वो फिलहाल को ट्यूशन पढ़ाने आया हूँ, तो उसे आप भेज दें, मुझे कहीं और भी जाना है। अच्छा, आप अंदर तशरीफ रखें, मैं बहू बेगम को बुलाऊं। जी।